This is Abhishek Singh, and as you all know, we were doing revision summary of mathematical physics, and this is the third lecture of complex numbers. And before I start, I should tell you it is in the continuation of lecture 2 of complex numbers. So in this lecture, we will start with a problem. So let us move ahead with the problem, and here is our next slide. So what the problem says? The problem is saying for what values of z e raised to power z is 0. क्वेश्चन में गिवन है e raised to power z 0 है एंड हमें बोला है z फाइंड करने के लिए कि z की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है. तो आपको क्या करना है, अगर e raised to power z 0 होने की बात कर रहा है, और मैं एक बार आपको बता दूं कि z क्या होता था. z इज x प्लस आयोटा y, ठीक है, एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर. हमें z की पॉसिबल वैल्यूज पूछी है सो दैट e raised to power z is 0. अगर e raised to power z 0 है तो इसका मॉडुलस भी 0 होना चाहिए. सो वी शुड स्टार्ट विद मॉडुलस ऑफ e raised to power z इज इक्वल टू 0. सो इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, e raised to power x प्लस आयोटा y, बिल्कुल लिख सकता हूँ. इसके मॉडुलस की बात कर लेते हैं. सो दैट कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ e raised to power x टाइम्स मॉडुलस ऑफ e raised to power iota y. अब हम सभी लोगों को पता है कि ये क्वांटिटी जो है ये तो 1 होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है. कैसे होती है? e raised to power iota y का मॉड, इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ cos y प्लस iota sin y, which is nothing but cos square y प्लस sin square y. ठीक है, ये चीज 1 ही आ जाती है, हम सभी लोगों को पता है. तो ये क्वांटिटी 1 है. अब इन दोनों के प्रोडक्ट को 0 होने के लिए इसे 0 होना पड़ेगा, बट हम सभी लोग जानते हैं कि e raised to power x कभी भी 0 नहीं होता है. ठीक है, इसका मतलब हमें z की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं पता है सो दैट हमारा e raised to power z 0 हो जाए. ठीक है, तो इसका आंसर है, अगर ऑप्शन गिवन होगा तो आपको लिखना है नन ऑफ द अबव, या फिर ऑप्शन में अगर गिवन है कि नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ z, तो आपको वो टिक करना है. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. थोड़ा इसमें स्पेशल था, एक फंक्शन के फॉर्म में आपको गिवन था, तो आप लोगों को ये चीज करना आना चाहिए. सो नेक्स्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ यार. इस टॉपिक में हमें देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं. सो टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स तो आएगा ही, कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस. हाइपरबोलिक फंक्शंस आप लोगों को पता ही है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आप लोगों को पता ही है. ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ी सी जो जरूरी चीजें हैं जिन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. वो बताने से पहले मैं एक बार इसे अंडरलाइन कर दूं सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन आवर थ्योरी एंड द टॉपिक. ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कॉज ऑफ एनी फंक्शन z जो होता है, एनी वेरिएबल z दैट इज गिवन बाय e raised to पावर आयोटा z प्लस e raised to पावर माइनस आयोटा z डिवाइड बाय 2. आपको ये चीज पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो अभी इसे अपने नॉलेज में लिख लें और इसे नोट्स बना के लिख लें. सेकेंड जो है चीज वो है, आपको पता होना चाहिए साइन ऑफ z, z कैन बी एनीथिंग, ठीक है, इज e raised to power iota z माइनस e raised to power माइनस iota z डिवाइड बाय 2 iota. ठीक है, ये होता है. तो अब आप लोग इन दोनों का यूज करते हुए मुझे ये बताइए कि tan ऑफ z क्या हो जाएगा. ऑब्वियसली tan of z हो जाएगा sin of z डिवाइड बाय cos of z. ये आप लोगों को करना आता ही है. ये आप लोग इन दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड कर दें, बस ये नीचे आयोटा है इसका ध्यान आपको रखना है, जो आप नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, ये आप ध्यान रखिए. tan z भी निकाल सकते हैं. ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, विद आर्ग्यूमेंट एज कंटेनिंग आयोटा. ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया है. तो हाइपरबोलिक फंक्शंस कैसे होते हैं वो देख लेते हैं. हाइपरबोलिक फंक्शन अगर मेरे पास लिखा है cos ऑफ हाइपरबोलिक z, तो इसका मतलब होता है e raised to power z प्लस ई रेज टू पावर माइनस जेड डिवाइड बाय 2 एंड अगर मेरे पास साइन ऑफ जेड हाइपरबोलिक जेड पूछा है कि इसे मैं कैसे लिखूंगा एक्सपोनेंशियल के टर्म में, तो इसे हम लिखते हैं ई रेज टू पावर जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस जेड. लेट मी इरेज दिस फर्स्ट. So e raised to power z minus e raised to power minus z divided by 2. इसमें आयोटा नहीं आता, ठीक है, डिवाइड में, ये ध्यान रखने वाली बात. तो अब आप लोग मुझे बताइए, cos हाइपरबोलिक sin हाइपरबोलिक आपके पास है, तो आप मुझे बताइए कि tan ऑफ हाइपरबोलिक z क्या हो जाएगा. अगेन सेम सिंपल फंडा, हाइपरबोलिक में भी ऐसा ही होता है, sin z डिवाइड बाय cos हाइपरबोलिक z. डिवाइड आप कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पे सिंपल है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e raised to power z minus e raised to power minus z divided by e raised to power z plus e raised to power minus z. ठीक है, ये आपको मिल जाएगा tan हाइपरबोलिक z. ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसके आगे जो मैं बताने वाला हूँ उसमें इनका यूज होगा और वो जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है, ये आपसे पूछ सकता है, चांसेस हैं, देयर इज अ लिटिल चांस, बट एज हम लोग रिविजन कर रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सब कुछ कवर करें. अगर cos के आर्गुमेंट में आयोटा आ जाता है, cos ऑफ आयोटा z आपसे पूछा है, तो क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या होती है, मैं आपको कैलकुलेट करके एक बता रहा हूँ, बाकी चीजें आप याद रखें और एज अ होमवर्क करेंगे. 2 चीजें हम करके देख लेंगे, ठीक है. हमें पता है प्रीवियस स्लाइड से cos ऑफ एनीथिंग लाइक z था तो क्या होता था, e raised to power iota z प्लस e raised to power minus iota z डिवाइड बाय 2. ठीक है, तो मैं z की जगह यहाँ पे क्या पुट करूंगा, z की जगह आयोटा z पुट करूंगा, ठीक है. सो e raised to power iota टाइम्स आयोटा z प्लस e raised to power माइनस आयोटा टाइम्स आयोटा z. ठीक है, मैंने z की जगह आयोटा z डाल दिया है, डिवाइड बाय 2. तो आप देखेंगे ये आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1. सो e raised to power माइनस z प्लस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1, बट वी हैव एन एक्स्ट्रा माइनस साइन आउटसाइड, सो ये हो जाएगा आपका e raised to power z डिवाइड बाय 2. ये कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या, यस ये तो देखा हुआ लग रहा है, आप लोगों ने अभी देखा, ये चीज cos ऑफ हाइपरबोलिक z बन जाएगा, ठीक है. सो इसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ cos ऑफ हाइपरबोलिक z. सो आई शुड राइट, मैं यही लिख देता हूँ cos ऑफ हाइपरबोलिक z, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइन ऑफ आयोटा z की वैल्यू बताइए, तो साइन ऑफ आयोटा z क्या होता है, प्रीवियस स्लाइड में जाके देखें, साइन ऑफ z होता है e raised to power iota z माइनस e raised to power माइनस iota z डिवाइड बाय 2 iota. ठीक है, तो यहाँ पे हमें z की जगह iota z डाल देना है, सो e raised to power iota iota z माइनस e raised to power माइनस iota iota z डिवाइड बाय 2 iota. ठीक है, आप देखेंगे अगेन ये हो जाएगा e raised to power minus z minus e raised to power plus z. ओके, iota square -1 एंड एक माइनस बाहर भी है, सो ये प्लस z हो जाएगा डिवाइड बाय 2 iota. वो पुरानी क्वांटिटी में से माइनस साइन कॉमन लेंगे आप, तो आपको बनेगा माइनस e raised to power z माइनस e raised to power minus z, ब्रैकेट मैंने बाहर ले लिया है, ठीक है, डिवाइड बाय 2 iota. तो 2 में एज इट इज रहने दूंगा और जो नीचे डिवाइड बाय 2 था, नीचे आयोटा था, वो ऊपर जाता है तो वो माइनस आयोटा बन जाता है, ठीक है, ये रेशनलाइज करके आ जाता है. सो आप लोग ये देख लीजिए, मैं यहाँ कंजेस्टेड करते हुए काफी ऐसे करेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक माइनस आयोटा आ जाएगा, जो नीचे आयोटा था ना वो ऊपर आके माइनस आयोटा हो जाता है. ये आप रेशनलाइज करके इजिली चेक कर सकते हैं, ऊपर नीचे माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको मिल जाएगा. तो इस चीज को सॉल्व करके आप देखेंगे ना, तो ये माइनस साइन जो है, ये माइनस साइन इसके साथ प्लस हो जाएगा और एक आयोटा एक्स्ट्रा बच गया, और उसके अलावा जो बचा है ये चीज, ये क्या है, ये तो देखा हुआ लग रहा है, ये तो साइन हाइपरबोलिक z है, ठीक है, ये साइन हाइपरबोलिक z है. तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं आयोटा टाइम्स साइन हाइपरबोलिक z, ठीक है. ओके, लेट मी क्लियर दिस, यहाँ स्पेस का प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ, सो मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, ये चीज आपका हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ आयोटा टाइम्स साइन हाइपरबोलिक z, साइन हाइपरबोलिक z, ठीक है. सो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि cos के आर्गुमेंट में अगर आयोटा आ जाता है तो वो cos हाइपरबोलिक में चेंज हो जाता है, साइन के आर्गुमेंट में अगर आयोटा आ जाता है तो साइन हाइपरबोलिक में चेंज होता है, बट एक एक्स्ट्रा आयोटा साइन बाहर आता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सो बाकी आप 10 के लिए भी ट्राई करें, इसका अगेन इसका उल्टा करके भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। उल्टा करके देखने का मतलब ये कि आप लोगों को कॉस हाइपरबोलिक में आयोटा डाल के देखना है तो उससे क्या मिलता है, और साइन हाइपरबोलिक में आयोटा डाल के देखना उससे क्या मिलता है। ये चार चीजें आप करके देख लें यार, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा एक तो, और दूसरा आप लोगों को थोड़ा उसको याद भी रख लेना है। मैं तो सजेस्ट करूंगा आप लोग याद भी रखें। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो लॉगरिथमिक फंक्शन। एंड लॉगरिथमिक फंक्शन नाम से क्लियर होगा कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को अब लॉग के अंदर डाल देना है, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ता है, उसका क्या मतलब होता है, वो देख लेते हैं। सो ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार टॉपिक लिख दूं, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। ओके, लॉगरिथमिक फंक्शंस। ओके, सो ये हमारा हो गया टॉपिक। एंड इसमें मैं स्टार्ट करूंगा कि लेट्स से आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है W एंड Z, ठीक है। और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कुछ ऐसे रिलेटेड है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसे रिलेटेड है, e raised to power W is equal to Z and that can also be written as, इसी चीज को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, W is equal to ln Z, log with natural base को मैं ln बोलता हूँ, ln Z, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं दोनों चीजें इक्विवेलेंट है, कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है इनमें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है। लेट्स से W को हम लिखते हैं U प्लस आयोटा V, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो सकता है। एंड मैं कह रहा हूं कि जो मेरा Z है वो उसे मैं कुछ लिखता हूं ऐसे, Z इज इक्वल टू R e raised to power आयोटा थीटा, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। ओके, सो यहां से अब मैं अगर इस चीज में वैल्यू पुट करता हूं, मैं ओमेगा की वैल्यू एंड Z की वैल्यू इस ऊपर वाले बॉक्स में पुट करता हूं, इसमें, ठीक है, दोनों की वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो क्या होगा, e raised to power ओमेगा LHS, इसका मतलब e raised to power U प्लस आयोटा V इज इक्वल टू Z, Z इज R e raised to power आयोटा थीटा। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, e raised to power U e raised to power आयोटा V is equal to R e raised to power iota theta। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, रियल को मतलब मैग्नीट्यूड को और आर्ग्यूमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करके मुझे मिलेगा e raised to power U is equal to R और I can say U is equal to ln R, ठीक है। ये एक रिलेशन आपको मिल गया है। एंड सिमिलरली आर्ग्यूमेंट्स को आप कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे V is equal to थीटा, बट हमें पता है कि थीटा जो है वो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं या आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, और कितने से पीरियोडिक होते हैं, 2n पाई से, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा। अब मैंने ऐसे लिख दिया, उसके बाद मुझे अब U पता है, V पता है, तो मैं W को कैसे लिख सकता हूँ, आप यहाँ से देखें इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन देख के आप कहेंगे कि W को मैं लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू U प्लस आयोटा V, U is ln R plus iota V, that is iota times V की जगह मैं क्या लिख दूंगा, थीटा प्लस 2n पाई, ठीक है। ये चीज जो है ये आपके मुद्दे की चीज है, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको Z पता है तो आप W कैसे निकालेंगे, और W Z में क्या रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है। तो आपको Z पता था तो उसका लॉन लेने पे जो आएगा जो कि W है, ये आप कैसे निकालेंगे, ये निकालने का आपके पास फॉर्मूला है, तरीका है। आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे कि यहाँ तो n एक इंटीजर आ रहा है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। मुझे n की कौन सी वैल्यू रखनी है, अगर मुझसे कोई एक पूछा है, ये क्वेश्चन वैलिड है, आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो क्वेश्चन बताने से पहले एक बार मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा सो दैट आपका क्लियर होता चले। तो लेट्स से आपसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द लॉगरिथम of Z where Z is nothing but 1 plus iota divided by 1 minus iota। इसका आपसे लॉगरिथम पूछा है, इसका मतलब log Z आपसे पूछा है। मैं बताऊंगा कि इस डिफिकल्ट से दिखने वाले एक्सप्रेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसे फॉर्म में मिले ना, डिवीजन के फॉर्म में, तो सबसे पहला आपके दिमाग में एक हिंट आना चाहिए, रैशनलाइज करके देखता हूँ, ठीक है। मैं भी रैशनलाइज करके देखता हूँ, सबसे पहले इजी फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। रेशनलाइज मतलब क्या, 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली चीज है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये तो हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाता है, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, और नीचे आप करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, और ऊपर आप होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 एंड आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इज 2, यहाँ पे 1 प्लस 1 था दैट इज 2, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइड बाय 2, तो आप इसे भी लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल करके आयोटा। तो ये जो दिखने में खतरनाक सा एक्सप्रेशन था, मैं कह रहा हूं कि ये तो सिंपल आयोटा ही लिखा हुआ है, ठीक है। सो रैशनलाइज करना आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि रैशनलाइज करके देखता हूं, तो मैंने वो किया तो क्वेश्चन इजी हो गया। सो आपसे पूछा है लॉन ऑफ जेड दैट इज नथिंग बट लॉन ऑफ आयोटा, लॉग आयोटा की वैल्यू आपसे पूछी है, तो यहाँ पे जो आपका जेड है वो हो गया है आयोटा। तो मैं बताऊंगा कि आप लिखें सबसे पहले जेड इज इक्वल टू आयोटा, इसे आप आर की फॉर्म में क्या लिखेंगे, आर ई रेस्ट पर आयोटा थीटा की फॉर्म में क्या लिखेंगे। सो आर क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए मुझे, इसको देखते हैं कि इसका आर हो जाएगा मॉड 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1, एंड इसका आर्ग्यूमेंट जो था थीटा वो हो जाएगा tan इनवर्स 1 ओवर 0, tan इनवर्स इंफिनिटी, इसका मतलब ये कितना हो गया, ये तो आपका कितना हो जाएगा आप ही बताइए मुझे। सो ये हो जाएगा पाई बाय 2, ओके ये पाई बाय 2 हो गया। तो इसे आप लिख सकते हैं z को 1 टाइम्स e raised to power iota pi by 2, ओके। सो ये आपका z हो गया r e raised to power iota थीटा की फॉर्म में, r है 1 थीटा है pi by 2। सो w क्या होता था, w होता था ln ऑफ r प्लस iota टाइम्स थीटा जो आपकी वैल्यू pi by 2 है प्लस 2n pi, ये होता था, ठीक है। यहाँ पे मैं r की वैल्यू अगर पुट करता हूं तो ln ऑफ r की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1 प्लस आयोटा टाइम्स पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो ln 1 है वो तो 0 होता है, आप लोगों को पता ही है, तो आपके पास सिर्फ ये क्वांटिटी बच गई, दैट इज मैं लिख देता हूँ इसे w इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आपको आपके सामने रखा था कि n की वैल्यू क्या रखनी है, n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट जो n इक्वल टू 0 होता है ना, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल लॉगरिथम, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो अगर आप इसमें n इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल लॉगरिथम, ठीक है। तो आपको नहीं कुछ स्पेसिफाई किया है, तो आपको n इक्वल टू 0 बताना है, तो आप बताइए मुझे इस केस में जो w है जो कि ln ऑफ z होगा, z इज आयोटा, वो आपके पास आ जाएगा आयोटा पाई बाय 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप ये ऑप्शन दिखता है तो यही टिक करना है, अदरवाइज जनरल ऑप्शन गिवन है इस फॉर्म में तो उसे टिक करना है। दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, दोनों ऑप्शन भी मिलता है और प्रिंसिपल वैल्यू की बात नहीं की है तो आपको ये ऑप्शन टिक करना है, और प्रिंसिपल वैल्यू की बात की है तो ये फाइनल आंसर आपको टिक करना है। सो ये हो गया एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड। सो इसके आगे मैं बढ़ूं उसके पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं, ओके। सो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि मॉड जेड इज इक्वल टू 2, जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपसे पूछा है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए इसका फिजिकल मतलब भी, इसका मतलब कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, इससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लेट मी सिलेक्ट माय मार्कर, ओके। सो आप देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 गिवन है, और जेड क्या होता है हम सभी लोगों को पता है कि जेड होता है हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई, और इवन इन्होंने क्वेश्चन में भी दे दिया है, क्वेश्चन पूछा हुआ है HCU 2011 का। सो x प्लस आयोटा है, जेड ये है, तो मॉड जेड क्या होता है मैंने आपको बताया है क्या होता है, इसके नाम करते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और आपको गिवन है कि मॉड जेड इज इक्वल टू 2, आप लिख दीजिए इस एक्सप्रेशन को देखते हुए आप लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो इस एक्सप्रेशन के तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन कहीं देखी हुई लग रही है क्या? यार ये आप सभी लोगों ने देख रखा होगा ये इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है सर्कल का। सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप सभी लोग जानते होंगे एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ए बी क्या होता था? ए बी होता था कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, इसका मतलब जो सेंटर होता था सर्कल का उसका कोऑर्डिनेट होता था ए कॉमा बी। एंड आर क्या होता था? आर होता है हमारा रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, सो आर होता था रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, तो आप लोग ये इक्वेशन को देख के मुझे बताइए ये इक्वेशन को कि ये एक सर्कल का इक्वेशन है नहीं है जिसका रेडियस 2 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछा था सर्कल, तो आप बी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज हो सकता था वो आपसे रेडियस भी पूछे, सेंटर भी पूछे। तो यहाँ सेंटर क्या हो जाएगा? इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 0 होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं y माइनस 0 होल स्क्वायर। तो आपका सेंटर है 0,0 दैट इज ऑरिजिन, तो ऑरिजिन सेंटर है एंड रेडियस है 2। सो आप बता सकते हैं और डिटेल भी। फिलहाल इस क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था कि क्या रहने वाला इसका आंसर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप करेंगे सर्कल एंड आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? मॉड z इक्वल टू 2 की जगह कुछ और एक्सप्रेशन भी दे सकता है, उसका कुछ और आंसर भी आ सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने ये कैलकुलेशन किया ना, इसका एल्गोरिथम देख लीजिए मैंने क्या किया है। जो तो मुझे इसने बोला वो मैंने किया, मॉड z इक्वल टू 2, तो मैंने मॉड z को 2 से इक्वेट कर दिया। मॉड z के लिए मैंने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया, उसे 2 से इक्वेट किया, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो आप लोगों को बस ये एल्गोरिथम पकड़ना है और कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है कर लेना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में भी आप लोगों को एक नया कंसेप्ट सीखने मिलेगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को। एचसीयू 2013 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट गिवन है। 1 माइनस 2 आयोटा, माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा। ये 3 पॉइंट्स जो है ये किसी ट्राइंगल एबीसी के तीनों वर्टिसेस को दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा है लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम सी टू साइड एबी। तो मैं डायग्राम बना के ज्यादा अच्छे से इसको समझा सकता हूं। लेट से हमारे पास ये रहा ट्राइंगल। ओके, सो ये मैंने ट्राइंगल बना दिया है, मेरी ड्रॉइंग इतनी अच्छी नहीं है। सो लेट से ये पॉइंट है हमारे पास ए, और ए पॉइंट को लिखेंगे हम 1 माइनस 2 आयोटा से। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास बी, जिसे हम लिखेंगे माइनस 3 प्लस 4 आयोटा से। मैंने आपको कहा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को शो करता है आर्गेंट प्लेन में। ठीक है, तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। सी जो है उसे, जो हमारा थर्ड बच गया यानी कि 2 प्लस 2 आयोटा, इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपसे बोला है मेरिडियन फ्रॉम सी टू साइड ए बी, का मतलब मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूं कि ये साइड सी जो है यहां से मेरिडियन एबी पे। ओके, ड्राइंग अच्छा नहीं है, दोबारा ट्राई करता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब सही है। ओके, सो ये जो मीडियन होता है इसका मतलब होता है कि ये एबी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, यानी कि जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये भी है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, और जब भी बाइसेक्ट करता है तो ये जो पॉइंट होता है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ए एंड बी को बाइसेक्ट करने वाला जो पॉइंट है, लेट से मैं इसको डी बोल देता हूं। तो ये जो डी पॉइंट है इसे ये कैसे निकाल सकते हो आप? अगर ए बी पता है तो ये निकाल सकते हो आप ए बी के एवरेज से, ए प्लस बी बाई 2। तो आप अगर एवरेज लेके देखेंगे दैट इज माइनस 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2। आप देखेंगे आ जाएगा आपके पास माइनस 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 दैट इज माइनस 1 प्लस आयोटा। ये आपके पास मिल जाएगा डी। यही आपसे इसने पूछा है और आपसे लेंथ पूछा है, और लेंथ जो निकालना होता है ना, दो पॉइंट्स या दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उनके बीच का लेंथ पूछा है। तो आपको क्या करना होता है? आपको सी माइनस डी और डी माइनस सी, एक ही बात है क्योंकि हम लेने वाले हैं उसके बाद मॉड। ये जो होता है ये लेंथ को शो करता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ ये कितना आ जाता है। सो C इज 2 + 2 आयोटा, D इज -1 + आयोटा, इसका मॉड दैट इज ये हो जाएगा आपके पास 3 और ये हो जाएगा आपके पास प्लस आयोटा, इसका मॉड ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 9 + 1। तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनली सॉल्व होके रूट 10। ओके, सो आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो था ये ऑप्शन वो करेक्ट है। सो आपको एक और चीज पता चल गई इसी के साथ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का जो मॉड होता है वो आपको एक लाइन का लेंथ दिखाता है, ठीक है। तो ये इससे हमने लेंथ निकाल लिया। और एक और चीज पता चली कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है जो कि दो पॉइंट होंगे आर्गेंट प्लेन में, उनका जो मीडियन होगा ना बीच में जो बाइसेक्टर होगा वो कैसे गिवन होता है, इन दोनों का एवरेज यानी कि a + b / 2 एवरेज करेंगे तो आपको इनका मिड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये कंसेप्ट आप लोगों को बिल्ड करना है। इन्हीं तरह के क्वेश्चन करके आप प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन करें और डाउट पूछे एडंकल पे। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सब्सक्राइब टू एडंकल for IIT JAM, CSIR NET and UGC NET exam study material prepared by India's top experienced faculties. You can also download Eduncle's mobile application where more than 250 tutors will be answering your doubts. Thank you very much.